आखिर क्यों सिलेंडर का रंग होता है लाल और एक नोट को छापने में खर्च होते हैं कितने रुपए? अपने ग्राहकों को चॉकलेट भेज रहा है ये बैंक, वजह जानकर दांतों तले उंगली दबा लेंगे आप। और भारत के इस समंदर में भक्तों को दिया जाता है मेहंदी का प्रसाद, लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि बियर भी एक्सपायर होती है और कार में कब हैंड ब्रेक नहीं लगाना चाहिए? मिलेगा इन सभी सवालों का जवाब, बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, एक जीन्स की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी जीन्स भी मौजूद है जिसकी कीमत 94 लाख रुपए है। इतना ही नहीं, यह जीन्स देखने में बहुत ही गंदी और पुरानी है, क्योंकि यह आज की नहीं बल्कि 1857 की जीन्स है। इस जीन्स को तूफान में डूबे एक जहाज के मलबे में खोजा गया था, जो पानी में डूबने से 16 साल पहले बनाई गई थी और उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा था। ऐसे में यह जीन्स बेहद पुरानी होने की वजह से एक्सपेंसिव है, जिसकी कीमत 94 लाख रुपए रखी गई है। और ये रकम इतनी ज्यादा है कि इतने पैसों में फरारी आराम से खरीदी जा सकती है। पैंट को किसने बनाया है, इस बात को लेकर भी कोई सबूत सामने नहीं आया है। कहा यह भी जा रहा है कि जीन्स लेवी स्ट्रॉस एंड कंपनी की हो सकती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इस कंपनी ने साल 1873 में पहली जीन्स बनाई थी और ऑक्शन में रखी गई पैंट 1857 की है। उस दौर में मजदूर व खदानों में काम करने वाले लोग जीन्स पहनते थे। नंबर टू, यमन देश की राजधानी सना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित अल हुतैब एक ऐसा गांव है जहां कभी भी बारिश नहीं होती है। इस गांव के लोगों को बारिश होने का एक्सपीरियंस या फिर उसकी खुशी का एहसास नहीं है, क्योंकि यह गांव जमीन से 3,200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अल हुतैब लाल बलुआ पत्थर की पहाड़ी पर बसा हुआ है, जहाँ बेहद सूखा और शुष्क मौसम रहता है। दिन के समय इस गाँव का तापमान बेहद गर्म हो जाता है और लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। वहीं रात के समय गांव में शरीर को जमा देने वाली ठंड पड़ती है और स्थानीय लोगों को आग का सहारा लेना पड़ता है। अल हुतैब में बारिश न होने की वजह इसकी असीम ऊंचाई है, क्योंकि बादल जमीन से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं, जबकि यह गांव 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे में बादल हमेशा गाँव के निचले इलाके में बनते हैं और बारिश करते हैं, जबकि अल हुतैब गाँव में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती है। लेकिन इस गाँव में रहते हुए चारों तरफ बादलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है और इसी वजह से बेहद गर्म और ऊंचाई पर मौजूद होने के बावजूद भी कई पर्यटक अल हुतैब गांव में घूमने के लिए आते हैं। नंबर थ्री, दुनिया में 195 देश हैं जहां मोटे पतले हर तरह के लोग रहते हैं, लेकिन प्रशांत महासागर में स्थित नाउरू देश के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि नाउरू के लोग बहुत ही मौज मस्ती भरी जिंदगी जीते हैं। यही वजह है कि नाउरू को सुखद द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ हर 10 में से 9 लोगों का शरीर मोटा और काफी वजनदार होता है। इस देश में एक सामान्य व्यक्ति का शारीरिक वजन लगभग 100 किलोग्राम के आसपास होता है, जबकि 70 से 80 किलोग्राम के वजन वाले व्यक्ति को नाउरू में कमजोर माना जाता है। इसी प्रकार पलाऊ नामक द्वीपीय देश में लगभग 85.1% लोग मोटापे का शिकार हैं, जिसकी वजह से इस देश का नाम मोटापे के मामले में दूसरे नंबर पर आता है। ये लोग अपने भोजन में नॉनवेज और सी फूड का सेवन अधिक करते हैं, जिसकी वजह से उनका शरीर मोटापे का शिकार हो जाता है, जबकि इन देशों में मोटा होना गर्व की बात माना जाता है। नंबर फोर, आम आदमी अपनी सुविधा के लिए घर पर बाइक, स्कूटर या कार रखता है, लेकिन कैलिफोर्निया में स्थित कैमरन एयर पार्क नामक जगह पर स्थानीय लोग अपने घर पर हवाई जहाज रखते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस गांव में सामान्य सड़कों के बजाय चौड़े चौड़े रनवे बने हुए हैं, जो सीधा घरों की पार्किंग तक जाते हैं। कैमरन एयर पार्क में मौजूद हर घर की पार्किंग में एक एयरक्राफ्ट मौजूद होता है, जिसका इस्तेमाल स्थानीय लोग घर से बाहर निकलने, सामान खरीदने या फिर शॉपिंग पर जाने के लिए करते हैं। दरअसल इस जगह को पायलट्स का गांव कहा जाता है, जहां हर परिवार में एक व्यक्ति पायलट होता है और उसे प्लेन उड़ाने की जानकारी होती है। यही वजह है कि इस गांव को फ्लाई इन कम्युनिटी भी कहा जाता है, जहां रहने वाले लोगों को प्लेन उड़ाना, साइकिल चलाने जितना आसान होता है और वे अपने हर छोटे बड़े काम के लिए एयरक्राफ्ट से ही सफर करते हैं। अमेरिका में एक या दो नहीं बल्कि 610 एयर पार्क एरिया मौजूद हैं, जहां सिर्फ पायलट और उनके परिवार के लोगों को बसाया गया है और उन सभी लोगों के पास अपना एक निजी प्लेन होता है। नंबर फाइव, हिंदू धर्म में मंदिर में आरती के बाद भक्तों को प्रसाद दिया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदौर के एक मंदिर में भक्तों को मेहंदी का प्रसाद बांटा जाता है? दरअसल इंदौर शहर में भगवान गणेश को समर्पित खजराना मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां हरतालिका तीज के मौके पर खास पूजा होती है। इस पूजा में शामिल होने के लिए दूर दूर से कुंवारे लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं, जो मंदिर में मिलने वाले मेहंदी के प्रसाद को खुशी खुशी अपने हाथों में लगाते हैं। इस मंदिर की प्राचीन मान्यता के अनुसार अगर किसी लड़के या लड़की की शादी में देरी हो रही होती है
तो उसे हर तालिका तीज के मौके पर खजराना मंदिर में बटने वाला मेहंदी का प्रसाद लेना चाहिए। इस मेहंदी के प्रसाद को प्राप्त करने वाले कुंवारे लड़के और लड़की की शादी जल्दी हो जाती है, जबकि उनकी शादी में आने वाली रुकावटें भी अपने आप हल हो जाती हैं। यही वजह है कि इस खास पूजा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं, क्योंकि विवाह में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और उन्हें न्योता दिया जाता है। नंबर 6, कार में हैंड ब्रेक की सुविधा होती है जो ट्रैफिक जाम के दौरान टायर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है और इससे दुर्घटना होने का खतरा कम हो जाता है। लेकिन कार को हर बार रोकते वक्त उसमें हैंड ब्रेक लगाना ठीक नहीं होता है, खासतौर से जब आप कार को लंबे समय के लिए रोकते या पार्क करते हैं। दरअसल कई दिनों तक पार्किंग में खड़ी गाड़ी को हैंड ब्रेक की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा करने से ब्रेक पैड जाम होने का खतरा बढ़ जाता है। हैंड ब्रेक नॉर्मल पार्किंग या स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो प्राइमरी बैंकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। लेकिन अगर आप कार को लंबे समय तक एक जगह पर खड़ा कर देते हैं और उसमें हैंड ब्रेक लगा देते हैं तो इससे ब्रेक पैड जाम हो जाता है और फिर कार को चलाने या रोकने में दिक्कत आती है। इससे न सिर्फ रिपेयरिंग का खर्चा बढ़ता है बल्कि कार चालक की जान को भी खतरा रहता है। इसलिए एक्सपर्ट्स लंबे समय तक पार्किंग में खड़ी की गई कार में हैंड ब्रेक न लगाने की सलाह देते हैं। नंबर 7, आपने अक्सर सुना होगा कि शराब जितनी पुरानी होती है उसका टेस्ट उतना ही बेहतर होता है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पुरानी बियर सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकती है। दरअसल बियर बनाने के लिए जौ जैसे अनाज और पानी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इसमें अल्कोहल की मात्रा 4-8% होती है। ऐसे में अनाज की वजह से बियर की एक्सपायरी डेट 6 महीने मानी जाती है, जबकि 6 महीने से ज्यादा पुरानी बियर पीने से सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, बियर को पीने का एक खास नियम भी है, जिसके मुताबिक बोतल का ढक्कन खोलने के बाद बियर को जितना जल्दी हो पी लेना चाहिए, क्योंकि बियर में ढक्कन खोलने के कुछ मिनटों या घंटों बाद बड़ी मात्रा में बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जो न सिर्फ बियर का टेस्ट बिगाड़ते हैं बल्कि उसे सेहत के लिए हानिकारक भी बना देते हैं। हालांकि कई लोग बियर की एक्सपायरी डेट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से दुकानदार अपना स्टॉक खत्म करने के लिए ग्राहक को एक्सपायरी बियर दे देता है और इससे ग्राहक की तबीयत खराब होने का खतरा बना रहता है। नंबर 8, भारत में SBI बैंक काफी पुराना है, जिसने हाल ही में अपने ग्राहकों को चॉकलेट भेजने का ऐलान किया है। दरअसल SBI ने यह पहल लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए की है, जो समय पर EMI का भुगतान नहीं करते हैं। ऐसे में ग्राहकों को उनके लोन और EMI की याद दिलाने के लिए बैंक की तरफ से घर पर चॉकलेट भेजी जाएगी, ताकि ग्राहक हर महीने EMI का भुगतान करने में चूक ना करे। दरअसल बीते कुछ महीनों में SBI से लोन लेने वाले ग्राहक मंथली EMI चुकाने में देरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैंक के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। अगर बैंक की तरफ से कॉल किया जाता है तो ग्राहक कॉल नहीं उठाते हैं या फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे में SBI ने कर्ज का पैसा वसूलने के लिए चॉकलेट का सहारा लिया है, ताकि ग्राहक को अपनी लापरवाही का एहसास हो और अगली बार से सही समय पर EMI का भुगतान करें। नंबर 9, भारत में करेंसी के रूप में नोट और सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 10, 20, 50, 100, 200 और 500 का नोट शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन नोटों को छापने में कितना खर्चा आता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि 10 रुपए का एक नोट छापने में 96 पैसे का खर्चा आता है, 20 रुपए के एक नोट की छपाई में 95 पैसे का खर्चा आता है, वहीं 50 रुपए की नोट की छपाई में 1.13 रुपए की लागत आती है, 100 रुपए का नोट छापने में 1.77 रुपए का खर्चा आता है, वहीं 200 रुपए के एक नोट को छापने पर 2.37 रुपए खर्च होते हैं। अगर बात करें 500 रुपए के नोट की छपाई की, तो इसमें 2.90 रुपए की लागत आती है। इस तरह हर नोट की छपाई का खर्च अलग अलग होता है और यह लागत नोट के प्रचलन पर निर्भर करती है। नंबर 10, भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर का रंग लाल होता है, जो एक तरह से खतरे की तरफ संकेत करता है। दरअसल सिलेंडर के अंदर LPG गैस भरी होती है, जो काफी खतरनाक और ज्वलनशील होती है। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा और उन्हें खतरे का आभास कराने के लिए सिलेंडर को लाल रंग से पेंट कर दिया जाता है, ताकि वह गलती से भी सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ ना करे। वहीं वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो लाल रंग काफी विजुअल होता है, जिसकी वजह से उसे दूर से आसानी से देखा जा सकता है और रात के समय भी सिलेंडर को नोटिस करना आसान होता है। ऐसे में सिलेंडर के प्रति आम नागरिक संवेदनशील होते हैं और इसमें लाल रंग अहम भूमिका निभाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।